हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि आप अपना फ़ोन पे अकाउंट या गूगल पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड या जिसे हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं वो आपके पास नहीं है, फिर भी आप अपना बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप विदाउट एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के बिना आप अपना फ़ोन पे अकाउंट या गूगल पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक, बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का भी नाम जान लीजिए। दोस्तों मैं हूँ प्रिंस यादव, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल प्रिंस भैया में। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब कुछ आपको अपने मोबाइल में प्रूफ दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप अपना गूगल पे या फोन पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको वहां आपको अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि आपके पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है फिर भी आप अपना गूगल पे या फोन पे अकाउंट बना सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स इसके लिए फर्स्टली फ्रेंड्स आपको एक अकाउंट बनाना होगा जिसे हम एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस एप्लीकेशन में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट बना लेना है, या आपके नज़दीकी रिटेलर एयरटेल की दुकान पर आप वहां से भी अपना ये अकाउंट बनवा सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप ये अपना एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट बनवा लेंगे अपने नज़दीकी एयरटेल की दुकान पर, आप अपना ये एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट बनवा लेंगे तो यहां पर फ्रेंड्स आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से एक डेबिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ है। जैसे फ्रेंड्स आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट बनवा लेंगे उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको बैंकिंग पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का आपको अपना पिन डालना, जो भी आपने पिन सेलेक्ट किया हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स वर्चुअल डेबिट कार्ड, अगर आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट बनवा लेंगे अपनी नज़दीकी दुकान से एयरटेल की शॉप से, आपको ये एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से आपको ये डेबिट कार्ड मिल जाएगा, इससे अपना फ़ोन पे या गूगल पे अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं आता है बनाने तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप अपना फ़ोन पे अकाउंट या गूगल पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस डेबिट कार्ड को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसे डाउनलोड करके आप जैसे अपना फ़ोन पे अकाउंट और जैसे अपना गूगल पे अकाउंट बनाया जाता है वैसे आप आसानी से बना सकते हैं अपना फ़ोन पे गूगल पे अकाउंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि आप विदाउट डेबिट कार्ड या विदाउट एटीएम कार्ड के अपना फ़ोन पे अकाउंट या गूगल पे अकाउंट कैसे बनाएं, इसके बारे में बताने वाला था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम फ्रेंड्स।